बिग बॉस 13 की सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट शहनाज कौर गिल और उनकी जानी दुश्मन हिमांशी खुराना को तो हर कोई जान ही चुका है, क्योंकि हिमांशी के आते ही दोनों की लड़ाइयों के चर्चे काफी ज्यादा होने लगे थे। और इसी वजह से जब से हिमांशी घर में आई है तब से ही दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी है। लेकिन अब हिमांशी और शहनाज में आखिरकार लड़ाई हो ही गई है। जी हाँ, आज के एपिसोड में दिखाई देगी हिमांशी और शहनाज के बीच में काफी बड़ी लड़ाई। दरअसल शहनाज के स्वयंवर वाले टास्क की वजह से घरवालों के बीच काफी तनातनी देखी गई थी। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ और असीम अपना आपा खोते हुए दिखे, तो वहीं इन दोनों का झगड़ा सुलझाने की वजह से घरवाले तीन ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप में वो लोग हैं जो सिद्धार्थ के साथ है, दूसरे वो जो असीम के साथ है, और तीसरे वो जो इस लड़ाई में पड़े ही नहीं। वहीं टास्क के दौरान घर वालों ने हिमांशी पर ही आरोप लगाया था कि हिमांशी ने असीम को सिर पर चढ़ाया हुआ है और इसी वजह से वो इतना एग्रेसिव हो रहे हैं। तो वहीं शेफाली, आरती और हिमांशी ने सना पर ही आरोप लगाया कि वो सिद्धार्थ और असीम के बीच आग लगाती है। लेकिन आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे फ्रेम टास्क के दौरान हिमांशी और शहनाज आमने सामने आ जाएंगी और हिमांशी शहनाज से कहेंगी कि मैंने तुझे बाहर तो छोड़ दिया था पर घर में नहीं छोड़ूंगी, जिस वजह से शहनाज हिमांशी पर बुरी तरह से भड़क जाती है और हिमांशी से तू तड़ाक करके बातें करने लगती है, जिस वजह से हिमांशी अपना आपा खो देती है और शहनाज को धक्का मार देती है। उनके धक्का मारने के बाद शहनाज उन्हें जोर से धक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है पर उन्हें घर वाले रोक लेते हैं। वही अब देखना यह होगा कि इन दोनों की लड़ाई से घर का माहौल बदलेगा या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।